यात्राधाम पावागढ़ चौथा नोरते 2 लाख भक्त उमटिया। परोढ़िए 5 वागे मंदिर द्वार खुलवानी राह जोता हजारों भक्त मंदिर बहार रात भर बेसी रहेशे। प्रभात आरती डमरूना नाद साथे मां महाकाली भव्य आरती कराई छे। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर थी पावागढ़ दर्शनार्थे आवेला भक्तोए आरती मां डमरूनो नाद करी आरती ने भव्य बनावी। आ तरफ नवरात्रि ने लईने शक्तिपीठ बहुचराजी मंदिर बार रोशनी थी शणगारायू छे। बहुचराजी बाद चाचर चौक में गरबा नु विशेष महत्व छे। गुजरात सरकार ना युवा अने सांस्कृतिक विभाग द्वारा गरबा नु आयोजन करायू। कोरोना ना 2 वर्ष बाद खेलैयाओ मन मुखीने गरबा नी रमझट बोलावी रह्या छे। तेरे त्रीजा नोरते कलाकार अरविंद वेगड़ाए गरबा गाई खेलैयाओ ने मौज करावी हती। मां बहुचर ना खोड़े खेलैयाओ ए गरबा रमी धन्यता नी अनुभूति करी हती। ओलिम्पिक में जवालिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट नीरज चोपरा त्रीजा नोरते वडोदरा मेहमान बन्या हता। ज्यां तेमणे VNFना गरबा की मुलाकात लीधी अने नीरजे पण माताजी चौक में गरबा रमवा जोड़ाया। नीरज की झलक जोवा गरबा मैदान में खेलैयाओ में भारे उत्साह जोवा मळ्यो। आ दरमियान तेमणे मीडिया साथेनी वातचीत में जणाव्युं के एक साथे आटली मोटी संख्या में लोग गरबे झूमी रह्या छे ते अद्भुत छे। आवनारी नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स ना स्पर्धकों ने शुभकामनाओं पण पाठवी अने साथे ज विविध स्पोर्ट्स में देशनु भावि उज्ज्वल होवानी पण वात करी। देख रहा हूं सभी को एक साथ इतना मजा कर रहे हैं तो बहुत ही मजा आ रहा है सही में। जी काफी परिवर्तन तो है कि हाँ मतलब अभी काफी स्पोर्ट्स को जेवलिन को जानने लगे हैं और ज्यादा लोग इंडिया में और एथलेटिक्स को, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जूनियर बच्चे काफी अभी ओलंपिक के बाद सिर्फ मेरे मेडल से नहीं बाकी जो भी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर मोटिवेट होके अभी पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे भी स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है काफी। तो राज्य में कोरोना महामारी 2 वर्ष बाद नवरात्रि की उजवणी थई रही छे। वडोदरा नवलखी मैदान खाते नवरात्रि फेस्टिवल गरबा नुं आयोजन करायुं जेमां हजारों की संख्या में युवाओं गरबा की रमझट माणता नजरे पड़ा। ट्रेडिशनल पोशाक में सज्ज युवाओं आकर्षण गरबा स्टेप लेता नजरे पड़ा। बहुत जम गया है और बरसात आएगी या कुछ भी आएगा पर सब लोग नवरात्रि में फुल टू गरबा करने वाले हैं। પછી ગરબા થઈ રહ્યા છે એટલે બધા જ બહુ એક્સાઇટેડ છે અને બહુ જ આનંદ થઈ રહ્યો છે કારણ કે 2 વર્ષ કોઈને ગરબા કરવા નહોતું મળ્યું એટલે બધી કસર આ વર્ષે પૂરી કરવામાં આવી રહી છે। વડોદરામાં ત્રીજા નોરતાના ગરબાની રમઝટ વચ્ચે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ ખેલૈયાઓ મેહુલિયાને આવકાર આપતા ગરબાની રમઝટ બોલાવતા નજરે પડ્યા। શહેરના સુભાનપુરા અલકાપુરી કારેલીબાગ સહિતના વિસ્તારોમાં રાત્રિના વરસાદ પડ્યો જો કે ખેલૈયાઓના ઉત્સાહમાં જરા પણ ઓટ આવી ન હતી અને મા શક્તિના આરાધનાના પર્વની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરતા તેવું નજરે પડ્યા। આ સાથે જ ગરબા ગ્રુપ પણ ખેલૈયાઓનો ઉત્સાહ જોઈને પોતાના વાજિંત્રોને સૂરની રમઝટ બોલાવતા નજરે પડ્યા। તરફ માંડલની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓએ ટ્રેડિશનલ રેસમાં ગરબે ઘૂમ્યા। શ્રી મહાત્મા ગાંધી શાશ્વત ઉમિયા શાળામાં ચણિયા ચોળીમાં યુવક યુવતીઓ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળ્યા। નાની બાળાથી લઈને યુવતીઓએ રંગબેરંગી વસ્ત્રો પહેરી આકર્ષણનું કેન્દ્ર ઉભું કર્યું તો મુસ્લિમ દીકરીઓ ચણિયા ચોળી ટ્રેડિશનલ વસ્ત્રોમાં ગરબે ઘૂમી કોમી એકતાનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું।
नवरात्रि पर्व में माताजी की आराधना अनेरू महत्व है। अंकलेश्वर में भालियावाड़ में वसता भालियाकोड़ी पटेल समाज माताजी की अनोखी रीते आराधना करे। भालिया समाज द्वारा छेल्ला 10 वर्ष से माताजी प्रतीक रूपे श्रीफल स्थापन कर 9 दिवस पूजा अर्चना कर 9 दिवस बाद श्रीफल ने कपड़ा में बांधी सुरक्षित जगह मूकी दीफल दर्शन करने भक्त पधारे सुखी जीवन की प्रार्थना करे। भालियावाड़ी अंदर कोरी समाज द्वारा 5 पेढ़ी थी अमे नारियल स्वरूपे माताजी बेसाड़ीए छे। ए मारी जाण मुजब 200 वर्ष थी पण वधु आ नारियल ने आ माताजी ना स्वरूप में मुकवामां आव्या छे। अने अहीं अमे अमारो समाज अहीं वर्षो थी पूजा विधि करीने एनी माताजी नी स्थापना करीने पूजा विधि करीने એમના દર્શન લોકો આવે છે અને અમે એમના દર્શન કરીને પૂજા વિધિ કરીએ છીએ। ભલિયાવાડમાં કોળી સમાજમાં અમારે અહીંયા માતાજીનું મઢ છે અને એમાં વર્ષો પુરાણું શ્રીફળ છે અને એની દર નવરાત્રિમાં અમે અહીંયા સ્થાપના કરીએ છીએ અને 10મે દિવસે પાછું શ્રીફળ ઊંચું મૂકી દઈએ છીએ। तो जामनगर सहित राज्यभर में नवरात्रि महोत्सव चाली रह्यो छे। जामनगर में खोडलधाम जिला समिति 2022 नवरात्रि उत्सव आयोजन करायो। खोडलधाम चेरमेन नरेश भाई पटेल मार्गदर्शन हेठ रंजित सागर रोड पर केशवजी अर्जन लिगवा पटेल सेवा समाज पाटी प्लॉट में आ गरबा नु आयोजन करायो छे। दररोज 2500 खेलैयाओ रमझट बोलावे छे जेने 5000 निहाळवा माटे आवे छे। खोडलधाम समिति जामनगर द्वारा नवरात्रिनुं आयोजन करवा 31 समिति बनावाई छे जेमां 500 कार्यकर्ताओ सेवा आपी रह्या छे। नवरात्रि दरमियान अवनवा गरबा रमाता होय छे। छेल्ला घणा वर्षोथी जामनगरमां पटेल युवक मंडल नवरात्रिमां विविध रासकृतिओ रजू करे छे। आ वर्षे पण पटेल युवक मंडल द्वारा प्राचीन गरबा हाथमां मशाल राखी मशाल रास धकधकता अंगाराओ पर रजू करवामां आवी। तो हाल समाचारों में बस आटलू ज। विगत अपडेट्स माटे आप जोता रहो जीएसटीवी। नमस्कार।